अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर रिलेटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कैसे होती है। देयर डाइजेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो भी स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कौन से हैं? अमाइलेज और डाइस सेक्राइड्स। अब फर्स्ट हम अमाइलेज को ले लेते हैं। अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज पॉलीसेक्राइड को कन्वर्ट करता है डाइसेक्राइड्स में। फिर ये कहाँ पे आ जाते हैं? सलाइवरी अमाइलेज में। नेक्स्ट पेंक्रियाटिक अमाइलेज। ये सारे इनकी डाइजेशन में क्या होता है? ये सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। डाइसेक्राइड्स कन्वर्ट डाइसेक्राइड्स टू मोनोसेक्राइड्स। ये क्या करते हैं? डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं। माल्टेज, सुक्रेज इज आल्सो माल्टेज, लैक्टेज, ट्राइहेलेज। ये फिर आप लोगों ने ना इस तरह से साइकिल ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहर हम खुराक खा लेते हैं माउथ में। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, इनके डाइजेशन प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर किस में आती है हमारी डाइट? माउथ, उसमें सॉरी स्टमक में। डाइजेशन इन स्टमक, फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टार्च, ग्लाइकोजिन एंड डेक्सट्रिन्स, लार्ज पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स। ये देखें, अल्फा अमाइलेज, ग्लूकोज, माल्टेज एंड माल्टो ट्राइओज। ये सारे क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होती है। अब हमारी खुराक कहाँ आ रही है? उस साइकिल में भी है। पीछे देखें आप, माउथ, फिर किस में आती है? स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये देखें, डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में क्या होता है? देयर इज नो एंजाइम्स टू ब्रेक ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड इन गैस्ट्रिक जूस। इसमें यानी कि कोई वो एंजाइम्स नहीं है जो कि गैस्ट्रिक जूस को क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। हाउ एवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक काजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। क्या होता है? स्टमक में सुक्रोज जो है एसीएल की प्रेजेंस में फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब एंड में लास्ट क्या था? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन डाइजेशन, हमारी जो मेन डाइजेशन होती है वो कहाँ टेक प्लेस होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बै, और वो भी जहर है, किसकी मौजूदगी में? एंजाइम्स की मौजूदगी में। कौन सा एंजाइम होता है? पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, अमाइलेज, सॉरी पेंक्रियाटिक अमाइलेज किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन इज कम्प्लीटली बाय पेंक्रियाटिक अमाइलेज बिकॉज, क्यों? फूड स्टेज यहाँ पे ना खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, और जो कि क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस को ज़्यादा टाइम मिल जाता है, और यहाँ पर डाइजेशन ज़्यादा होती है। और क्यों? क्योंकि डाइजेशन के लिए टाइम इतना ज़्यादा अवेलेबल होता है। और कौन सा एंजाइम्स होता है? पेंक्रियाटिक एमाइलेज। अब देयर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेशन। क्लिनिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लैक्टोज इंटॉलरेंस इज द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम्स। अगर लैक्टेज एंजाइम्स हमारे पास यानी कि लेस होंगे तो क्या होगा? लैक्टोज जो होगा क्या होगा? नहीं होगा डाइजेस्ट। इट इज कौन की क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? किसकी मौजूदगी में, यानी कि क्यों होता है? लैक्टोज जो होते हैं ना, इनका यानी कि डाइजेशन किसकी वजह से होता है? लैक्टोज एंजाइम से। अच्छा, इट इज़ ए
कौन जेनिटल डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर है जिसको क्या, कौन सा डिसऑर्डर है, कौन जेनिटल ऑर्डर डिसऑर्डर, देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लैक्टोज एंजाइम्स, द चाइल्ड डिवेलप्स इंटॉलरेंस ऑफ लैक्टोज इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, इट इज डायग्नोस्ड इन अर्ली इन्फेंसी। अगर इस तरह से हो तो चाइल्ड का क्या करना चाहिए, फौरन इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, यानी कि मेडिकली। इसमें इसका क्या मतलब है, इसमें लैक्टोज की क्या डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मैकेनिज्म इसका कौन सा, कैसे, यानी कि ये एब्जॉर्ब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, हमने अभी बार बार ये तो कहा ना कि इजीली डाइजेस्ट होता है, तो कैसे, क्यों क्यों, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, एज पर NIHS ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, हमारे पास जो सर्वे हुआ है नेशनल वाइज, जो क्या है ना, ऑलमोस्ट 5 साल से जो कम्स टू बच्चे हैं ना, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, उनमें क्या क्रॉनिकली क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है माल न्यूट्रिशन के। 1 out ऑफ हर 5वां बच्चा जो है 5 साल की एज का, वो क्या होता है, अंडर वेट होता है। 43 ऑफ स्टूडेंट्स अंडर एज 5 आर अंडर वेट। कंक्लूजन्स क्या है एंड में, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन फूड, यानी कि सही सी खुराक का अवेलेबल होना एट लो कॉस्ट शुड बी इंश्योर्ड। ठीक है, अफोर्ड नहीं हो सकता तो लो कॉस्ट पे भी तो कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होते हैं ना, तो वो देने चाहिए। किसको प्रोवाइड करने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है पहले लोग अफोर्ड कर सकें, तो गवर्नमेंट का भी काम होता है बाय पॉलिसी मेकिंग, मोबिलाइजिंग कम्युनिटी एंड हेल्थ एजुकेशन, इनके हेल्थ एजुकेशन में जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स वगैरह इस तरह से। अच्छा डेयर स्टूडेंट्स, ये वाले नोट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप करके दे रही हूँ, और उसके अलावा भी कुछ और हैं वो भी। ठीक है, थैंक यू डेयर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।